जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो लेट्स स्टडी टुगेदर। देखो यार, इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बेल्जियम और श्रीलंका के केस से। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस ऑफ बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में क्या हुआ था। देखिए, बेल्जियम जो है वो एक यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, जो कि जो अपने बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग के साथ शेयर करता है। या इसकी टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है और ये बिल्कुल जस्ट लाइक हरियाणा, मतलब हमारा जो हरियाणा प्रदेश है उसी के तरीके का है। यहाँ पर जो येलोइश रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पर डच लैंग्वेज बोली जाती है, और ये जो रेड रीजन है यहाँ पर वलोनिया लैंग्वेज बोली जाती है, और जो ब्लू कलर का रीजन देख रहे हैं यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, और जो ब्रूसेल इसकी कैपिटल है जो कि ऑरेंज कलर का है, वो वहाँ पर 80% फ्रेंच और 20% डच लैंग्वेज बोली जाती है। तो देखिए, मेजोरिटी पीपल जो थे वो फ्रेंच और डच पीपल वाले ही थे, तो इनमें क्या होती है, टेंशन शुरू हो जाती है। तो इसी को देखते हुए जो वहाँ की सरकार होती है ये सोचती कि कोई वहाँ पर सिविल वॉर ना हो, इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट में जो पावर्स होती है उसको शेयर कर देती है। मेनली 3 होते हैं लेकिन यहाँ पे 4 पार्ट में शेयर किए जाते हैं। पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र के हाथों में पावर होती है। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य, लोकल यानी कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट, जो आपके ज़िले में पावर शेयर की जाती है। कम्युनिटी यानी कि एक छोटे मोटे दल के लिए पावर शेयर कर दी जाती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखते हैं केस ऑफ श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में क्या हुआ था। देखिए, श्रीलंका जो है वो इंडिया का एक नेबर कंट्री है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ना कि 71% सिन्हाला स्पीकर थे, जो कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। 80% तमिल स्पीकर थे, जिसमें इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल दोनों आते हैं, और 3.7% क्रिश्चियन थे। तो वहाँ पर क्या होता है कि 1956 में जो सिन्हाला लैंग्वेज होती है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है, और जो लोग सिन्हाला बोलते हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो वहीं पर बुद्धिज्म का सपोर्ट बढ़ने लगा। तो जब बुद्धिस्ट का सपोर्ट बढ़ने लग जाता है तो अदर पीपल्स जो थे वो इक्वलिटी की डिमांड करने लगते हैं, समानता की डिमांड करने लगते हैं, और गवर्नमेंट जो थी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाते हैं। जब सिविल वॉर स्टार्ट हो जाते हैं तो सभी जानते हैं उसका वॉर का जो रिजल्ट होता है वो कितना खतरनाक होता है। तो यहाँ पर जो ये स्टोरी है इसका एंड होता है। तो आप इसका पूरा मोरल निकालिए, तो जो श्रीलंका थी वहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत बैड थे। लेकिन बेल्जियम में पावर शेयरिंग होती है, इसलिए वहाँ के रिज़ल्ट बहुत गुड आते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से वो चीज़ें सही हो जाती हैं। अगला आता है कि प्रोडेंशियल रीज़न। इसमें ये होता है कि जो पावर होती है वो शेयर करना इंपॉर्टेंट होती है ताकि सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट है मोरल रीज़न। मोरल रीज़न का मतलब है कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का बेस जो है वो कौन है, पावर शेयरिंग। तो अब देखते हैं हॉरिजेंटल वे ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि हॉरिजेंटल वे से कैसे पावर शेयर की जाती है। 3 टाइप के होते हैं। पहले लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करती है, और जुडिशरी जो देखती है कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये 3 टाइप से होता है। पहली होती है सेंट्रल यानी कि केंद्र, सेकेंड आता है स्टेट यानी कि राज्य, और थर्ड आता है लोकल यानी कि जो आपकी जिला की सरकार होती है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बेल्जियम का केस था वहाँ पर 4th टाइप गवर्नमेंट थी, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो और लास्ट होता है कि प्रेशर ग्रुप। देखिए, प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाते हैं ताकि जनता की जो डिमांड है वो पूरी हो सके। और जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि गवर्नमेंट के सामने रह करके लोगों की बातों को रखते हैं। यहीं पर इस चैप्टर का एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।